हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शांतना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शांतना फैशन ब्यूटी। आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक मेकअप वीडियो जो कि बहुत ही सिंपल सा मेकअप है। एक्चुअली मैं रील्स के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि रील्स के लिए रेडी होने के लिए ज़्यादा कुछ मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें अच्छा खासा फिल्टर है, तो मैं फ़िल्टर को फुल यूज़ करती हूँ, सच बताऊँ तो। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें मेकअप में ना ही कोई कंसीलर यूज़ किया है और ना ही कोई आई शेडो और ना ही कोई हाइलाइटर। तो वो देखते हैं कैसे मेकअप किया है मैंने, सिंपल सा है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को मेकअप नहीं आता है ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मुँह को अच्छे से फेस वॉश करके आई थी, बहुत टाइम हो गया था, तो थोड़ा सा रोज़ वाटर लगा के उसको थोड़ा गीला कर लेंगे, थोड़ी देर सूखने देंगे, फिर इसमें लगाएंगे हम निविया का मॉइस्चराइजर। मैं निविया का यूज़ करती हूँ, मुझे ही अच्छा लगता है। उसके बाद लगाएंगे प्राइमर। मैं प्राइमर भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, एक्चुअली मुझे फाउंडेशन लगाना है, तो इसलिए मैंने प्राइमर का यूज़ किया है। तो मैं नॉर्मल पॉइंट्स का जो क्रीम आता है वाइट ब्यूटी में, वही लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद लगाएंगे फाउंडेशन। अच्छे से लगा लेंगे, फिर लगाएंगे कॉम्पैक्ट, लाइनर, उसके बाद लगाएंगे पहले लिपस्टिक। लगाने से पहले प्लानर से हल्का सा उसको शेप दे देंगे थोड़ा सा, तो लिपस्टिक लगाने में आसानी होती है और नीचे फैलता भी नहीं है, वो भी कवर कर देता है। उसके बाद लगाएंगे काजल। मैं काजल का भी यूज़ ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मेरी आँखों से बहुत पानी आ जाता है, तो काजल पूरा फैल जाता है। उसके बाद लगाएंगे मस्कारा, फिर आईब्रो को सेट करेंगे, इसको भी सिंपल तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि आईब्रो को सेट करने से लुक थोड़ा अलग हो जाता है। कुछ करो आईब्रो को सेट करो, थोड़ा सा लाइनर लगा लो, बस लुक चेंज हो जाता है, मेकअप लग दिखता है कि हाँ हमने कुछ मेकअप किया है। इसके बाद थोड़ा बाल को सेट करेंगे, उससे पहले इसको लगाएंगे हम ममर्थ का सीरम, ताकि थोड़ा बाल सिल्की हो जाए, क्योंकि वैसे मेरे बाल बहुत ड्राई है। फिर लगा लेंगे सिंदूर, जो कि हमारा सब कुछ है। फिर लगाएंगे मेकअप स्प्रे थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सूखने देंगे, जल्दी से सूख जाए, नहीं तो फिर लाइनर वगैरह पूरा निकल जाएगा। मतलब हल्का सा लगाया है मैंने, तो वो भी मेरे भी कैसा लग रहा है, सिंपल सा, क्योंकि मैंने इसमें कोई भारी भरकम मेकअप नहीं किया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर जिन लोगों को मेकअप नहीं आता है उन लोगों को ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम फिर लगाएंगे ईयरिंग्स का मुझे बड़ा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ज्वेलरी में से, मुझे सबसे ज़्यादा ईयरिंग अच्छा लगता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं ईयरिंग ही देखती हूँ, मुझे ईयरिंग खरीदना, उसको लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए मेरी ईयरिंग कलेक्शन का वीडियो लेके आऊँगी। मेरे पास बहुत सारा ज्वेलरी मतलब ईयर रिंग्स ये हो गया है, तो मैं बहुत जल्द उसका एक वीडियो बनाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू सो मच।